कल रात से सिलसिला शुरू हो गया और बहुत वर्कर बंद है। आप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, साउथ कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, खासकर अनंतनाग में जाइए, आप कुलगाम में जाइए, आप वच्ची में भी चले जाएं, तो आपको पीडीपी के वर्कर और एजेंट वहां पर बंद मिलेंगे। अब कितनी गिनती है वो मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, मगर कहीं ना कहीं डरी है बीजेपी कि महबूबा मुफ्ती अगर पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो ये सारा कच्चा चिट्ठा वहां छोले की खोल देगी, ये सच बोलेगी और वो सच सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए 87 जैसे हालात यहाँ पैदा किए जा रहे हैं। अगर उनको नहीं, वो देख लेंगे। अब वोट हमारा पैदाशी, वोट हमारा पैदाशी हक है, जिसको डालेंगे उसको डालेंगे। ये वोट हमारा हक है, अगर कोई पीडीपी को डालेंगे डाल ले तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों बताता है साफ सुथरा इलेक्शन है? अगर मीडिया सच है तो ये हमारी बात मरकज कर तक पहुंची चाहे इलेक्शन कमीशन। हम शुक्रगुजार हैं एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा के, जो कोई किलिंग नहीं हुई 2 महीने से, हमको पता था ये भी कर सकते, नहीं हम एलजी मनोज को सलूट को करते हैं। हालात ठीक है, लोग निकलते हैं, आप देखो बारामूला में 120 साल का बूढ़ा निकला तो हम खुश हुए, हम जमहूरियत चाहते हैं, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हम भी चाहते हैं, मगर हम अपना नुमाइंदा चाहते हैं। ये दोनों तीन टीमों के दरमियान मैच है, तो जीत एक हार एक, तो ये कौन सी भोकलात है? एबीसी दबाव करता है पीछे डिपार्टमेंटों को। अगर हमारे वर्कर बांधे, हमारे वर्कर क्यों बांधे? क्या पथराव उठाए हैं? क्या सही सलाउद्दीन बनना चाहते हैं? रिस्पॉन्ड टू योर एजुकेशन।